हाल ही में बीजेपी के अपोजिशन लीडर्स ने मिलकर एक नया आक्रोन लिया था आई या इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का नाम अपोजिशन पार्टीज ने अपने न्यूली फॉर्म अलायंस के लिए सेलेक्ट किया था और इसी नाम के खिलाफ एक प्ली सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है और शुक्रवार को उन्होंने उससे जुड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज दी है आगे देखते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्या राय थी आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि इस नाम के अगेंस्ट एक प्ली दिल्ली हाई कोर्ट में भी फाइल की गई है

19 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए गए रिप्रेजेंटेशन पर नॉन ऑब्जर्वेंस और कोई कार्रवाई नहीं लेने की वजह से भी बहुत परेशान है द प्लीज स्टेटेड दैट टिल डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिड नॉट टेक एनी एक्शन टू प्रिवेंट द रिस्पॉन्डेंट पोलिटिकल पार्टीज टू यूज द एक्रोनिम इंडिया फॉर द पोलिटिकल अलायंस Hence, the petitioner left with no other option except to file this writ petition. आपको सुनकर हैरानी भी होगी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ा एक फैसला भी सुनाया है में पॉलिटिकल पार्टीज को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे एक्रोनिम इंडिया का उपयोग ना करें और तो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार से भी इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है इट ऑल्सो प्रैक्टिस टू यूज एक्रोनिम इंडिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ऑफ रिस्पोंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर ओनली टू अट्रैक्ट एंड गेन सिंपती एंड ऑफ द इनोसेंट सिटीजन एंड टू यूज एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट एंड ऑल्सो टू गिव अ अ नज और स्पार्क

जैसा कि हमने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये प्ली पेश की गई थी और फ्राइडे की हियरिंग में जस्टिस लेट बेंच ने इस, पर भी की। जस्टिस इस बात पर आपत्ति जताते हुए पिटिशनर ने कहा कि अगर उन्हें पब्लिसिटी ही चाहिए होती थी तो वे मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दे रहे होते थे कोर्ट के चक्कर नहीं काट रहे होते पिटिशनर के इस दलील पर कि ऐसे नाम का यूज करना मॉरलिटी के अगेंस्ट है जस्टिस कॉल ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू डिटरमाइन इन पॉलिटिक्स जस्टिस कॉल ने दर्द देते हुए कहा कि बहुत दुख की बात है कि कुछ लोग ऐसे मुद्दों पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं ऐसा कहते हुए उन्होंने इस पटिशन को एंटरटेन करने से साफ मना कर दिया हालांकि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने भी सेम एप्लीकेशन फाइल हुई है और इंटरफेयर करने से भी मना कर दिया प्ली में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एक रेगुलेशन पास करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि सभी मीडिया एजेंसीज अपोजिशन पार्टीज के नाम के रूप में इंडिया नाम का उपयोग करने से बचे प्ली का दावा था कि ऐसा इसलिए किया गया है कि लोगों के मन में ये बैठे कि बीजेपी अगले चुनाव में इंडिया देश के खिलाफ है अब आगे ये देखना होगा कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या राय है और दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस पर यूनियन क्या कहेगी To keep yourself updated with legal news, keep following Law Chakra.